तो भाई लोग कैसे हो सभी? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों से मेरा मन हो रहा था कि आप सभी लोगों से मिला जाए, बातचीत किया जाए, आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेकर आया जाए। वाओ। तो भाई लोग, आप लोगों के लिए आज मैं फाइनली लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग भी अपना फोटो एडिट करके लड़कियां पटा सकते हो। अबे विज़र्ड भाई, पगला गया हो क्या? कब से भाई गेमिंग ट्यूटोरियल को छोड़कर कब से लड़कियां पटाने का ट्यूटोरियल देने लगे तुम? सॉरी 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 भाई लोग। तो कैसा लगा मेरा मजाक? तो मेरे प्यारे भाई लोग, प्यारे विज़र्ड आर्मी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड आगे भी जो है बढ़िया रहना। सो भाई लोग, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का हेल्प करने के लिए आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ ज़ेरॉक्स एफएफ का न्यू थंबनेल। जी हाँ गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का हेल्प करने के लिए ज़ेरॉक्स एफएफ के न्यू थंबनेल के ऊपर ट्यूटोरियल लाया हूँ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा। सो गाइज, कोई भी चैनल पर न्यू आ रहे हो, पहली बार के लिए आ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही क्वालिटी वीडियोज अपलोड करते रहते हैं आप सभी लोगों का हेल्प करने के लिए। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड इसी के साथ लाइक करना भूल जाते हो तो अभी के अभी वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड गाइज, कमेंट में बताना कैसा लगा आज का वीडियो। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो स्टार्ट हैं। तो भाई लोग, सबसे पहला हम लोग कैरेक्टर ग्लो बनाने वाले हैं। इसके लिए पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करके कैरेक्टर पीएनजी को ऐड कर लेना है एंड कलर पे चले जाना है, ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्ट्रोक में जाना है, डीप ब्लू को सिलेक्ट कर लेना है एंड शैडो पे चले जाना है, लाइट ब्लू एंड ब्लर रेडियस को फुल एंड इनर शैडो पे भी लाइट ब्लू ब्लर रेडियस को फुल कर देना है एंड बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करके सेव कर देना है। अभी गाइस हम लोग टेक्स्ट बनाने वाले, तो एक न्यू टेक्स्ट ले लेंगे हम लोग। एंड गाइस, यहां पर मैं ज़ेरॉक्स एफएफ लिख रहा हूं, आप लोग कुछ और फॉन्ट लिखना, मतलब कि आपका जो चैनल का नेम है आप लोगों को वो लिख लेना है, ठीक है? एंड यहां पर आप लोगों को ये वाला फॉन्ट मिल जाएगा, डाउनलोडिंग डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा फॉन्ट का। आप लोगों को फॉन्ट को ऐड करके इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसको मैं यहां पर डुप्लीकेट करके ओपोनेंट का नेम भी लिख रहा हूं। आप लोग आपका जो ओपोनेंट रहेगा उसका नेम लिख लेना एंड एक और बार डुप्लीकेट मारना है एंड यहां पर वर्सेस लिख लेना है, ठीक है? एंड वर्सेस में ना कलर ग्रेडिंग वगैरह करना है, तो यहां पर कलर्स पे चले जाएंगे, ग्रेडिएंट पे चले जाएंगे एंड ये वाला कलर ग्रेडिंग आप लोगों को कर लेना है, ठीक है? तो देख सकते हो इसमें मैंने कौन सा कलर लिया है एंड अभी इसको हम लोग सेव करेंगे। उससे पहले बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करके इसको सेव कर देते हैं। सो गाइज, इतना काम होने के बाद आप लोग को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ब्लैक कलर का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है 16:9 का एंड अभी आप लोगों को ऐड फोटो करके ये वाला मटेरियल मिल जाएगा, इसको ऐड कर लेना है एंड इसको ना अच्छे से एडजस्ट करने के बाद इरेजर में चले जाना है एंड इसको नीचे से इस टाइप से आप लोगों को इरेज कर लेना है, ठीक है? हल्का हल्का करके इरेज कर लेना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। एंड इसको ना हम लोग अभी डुप्लीकेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एडजस्टमेंट में जाके इसका ह्यू को चेंज कर रहा हूँ मैं। आप लोग अपने हिसाब से ह्यू को रख सकते हो, तो मैं यहाँ पर कुछ 32 रख रहा हूँ, -32। इसको अभी मैं डुप्लीकेट कर लूँगा एंड कुछ इस टाइप से रख दूंगा, ठीक है? एंड अच्छे से एडजस्ट वगैरह आप लोगों को कर लेना है, ठीक है? एंड इतना काम करने के बाद आप लोगों को फिर से ऐड फोटो के ऊपर क्लिक कर देना है, इसको सेव करके एंड आप लोगों को कैरेक्टर को इंपोर्ट कर लेना है कुछ इस टाइप से। तो मैं दोनों कैरेक्टर को ऐड कर लूँगा एंड दोनों कैरेक्टर को ऐड करने के बाद अच्छे से इसके ऊपर मैं पोजिशन में कर दूंगा दोनों कैरेक्टर को। एंड अभी फिर से ऐड फोटो में चले जाना है एंड जो कैरेक्टर ग्लो हमने बनाया था पिक्सल लैब में, कैरेक्टर ग्लो हमें ऐड कर लेना है वही वाला एंड इसको ब्लेंड पे जाके ऐड के ऊपर क्लिक करके एंड इसको एडजस्टमेंट में जाके इसका जो ह्यू है हमें चेंज कर देना है, क्योंकि कैरेक्टर ग्लो हमें ब्लू कलर में नहीं रेड कलर में चाहिए था। तो कुछ इस टाइप से हम लोग कर लेंगे, सेम हम लोग इस साइड पे भी करेंगे। ब्लेंड पे जाके ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है एंड एडजस्टमेंट में चले जाना है, ह्यू को हमें यहाँ पर चेंज कर लेना है एंड ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देना है, ठीक है? तो इतना काम करने के बाद इसका भी हमें इरेजर के ऊपर क्लिक करके, नीचे के साइड में नहीं चाहिए ग्लो तो इसको हम लोग इरेज कर लेंगे। अभी इतना काम करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर लाइट पीएनजी मिल जाएगा, इसको ऐड करके मूव डाउन कर देना है एंड ब्लेंड पे चले जाना है, इसको ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है एंड इसका जो ह्यू है आप लोगों को चेंज कर लेना है, ठीक है? तो इसका ह्यू मैं रख रहा हूँ -17, ओके? एंड तो कुछ इस टाइप का ही मैं रखूँगा, ठीक है? -20 मैं रख रहा हूँ, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा साइज में एंड डुप्लीकेट करके इस साइड भी ले आऊँगा एंड इसको मूव डाउन कर देंगे, ठीक है? सो इतना आप लोग देख सकते हो, कैरेक्टर ग्लो भी रेडी हो चुका है, अच्छे से एडजस्ट वगैरह कर देना है आप लोगों को। एंड इतना काम करने के बाद आप लोगों को फिर से ऐड फोटो के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आप लोगों को ये वाला इफेक्ट का लिंक भी मिल जाएगा, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन पे और पिन कमेंट पे, तो पिन कमेंट ज़रूर चेकआउट करना, पैक में बहुत कुछ दे के रखा है। इसको भी आप लोगों को ऐड कर लेना है एंड एडजस्टमेंट में चले जाना है, ह्यू को चेंज करना है क्योंकि कैरेक्टर ग्लो हमें देख सकते हो हमने किया
रखा है, तो उस हिसाब से हमें ह्यू को चेंज कर लेना है एंड इसको भी डुप्लीकेट करके हमें इस साइड पे रख देना है। एंड यहाँ पर भी हम लोग ह्यू वगैरह चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमने उस साइड पे ऑलरेडी कर दिया है, तो इसको हम लोग अच्छे से इस साइड पे एडजस्टमेंट कर लेंगे। इतना काम करने के बाद ये वाला मिल जाएगा आप लोग को मटेरियल, इसको भी ऐड कर लेना है। ब्लेंड पे जाके ऐड के ऊपर क्लिक कर दो एंड एडजस्टमेंट से ब्राइटनेस को फुल कर देना है एंड कैरेक्टर के पीछे भेजने के लिए मूव डाउन कर देना है। एंड इसको हम लोग इस साइड पे भी सिमिलर काम करेंगे, इसको मूव डाउन करके पीछे भेज देंगे। अभी गाइस हमें क्या करना है ना, हमें इरेजर के ऊपर क्लिक कर देना है एंड हल्का हल्का हमें इरेज करना है, ठीक है। एक बहुत ही स्मूथ इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ग्लोइंग इफेक्ट यहाँ पर हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इस साइड भी हमें सेम तरीके से इरेज वगैरह कर लेना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमें हल्का हल्का इस टाइप से इरेज करना है एंड देख सकते हो एक स्मूद वाइट लाइट जैसा इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इतना काम करने के बाद इसको हमें सेव कर देना है। अभी गाइज हमें फिर से ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करके एक व्हाइट लाइट पिंज मिल जाएगा, उसको गाइज ब्लेंड पे जाके ऐड कर देना है एंड इसका ओपेसिटी को हमें थोड़ा सा कम कर देना है, 74 कर देना है। एंड इरेजर पे जाके आप लोगों को क्या करना है, ये जो कैरेक्टर का बॉडी है उसके ऊपर से इरेज कर लेना है, ठीक है। एंड कुछ इस टाइप से आप लोगों को कर देना है, देख सकते हो जहाँ जहाँ पर चाहिए था ग्लो बस वही वही पर मैं रख रहा हूँ एंड इसका ओपेसिटी को उसी हिसाब से एडजस्ट वगैरह कर रहा हूँ। तो इसको डुप्लीकेट करके इस साइड भी सेम काम करना है, ठीक है। ये हम लोग व्हाइट पीएनजी को ग्लो देने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हो जहाँ जहाँ पर ग्लो चाहिए था हमने कर दिया है, ठीक है। एंड इंक्रीज भी आप लोग करके देख सकते हो, अगर अच्छा लग रहा है तो इंक्रीज कर देना ग्लो। एंड अभी गाइस हम लोग टेक्स्ट को बनाने वाले हैं, मतलब कि टेक्स्ट तो बना कर रखे हैं, तो यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करने वाले। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं डुप्लीकेट वगैरह कर रहा हूँ क्योंकि हमें एक जेरोक्स वाला टेक्स्ट चाहिए, एक वर्सेस वाला और एक वो जो ओपोनेंट का नेम है वो वाला। मैंने यहाँ पर DJ100 को ओपोनेंट लिया है, तो कुछ भी आप लोग आपका जो ओपोनेंट है उस हिसाब से नेम लिखना, वो कोई मतलब मसला नहीं है उसको लेकर। तो इसको आप लोगों को अच्छे से क्रॉप करके अच्छे से एडजस्ट वगैरह कर देना है एंड यहाँ पर शैडो को इनेबल कर देना है। एंड शैडो का कलर ना आप लोगों को ब्लैक नहीं रखना है, आप लोगों को ग्रे रखना है। एंड अभी गाइस ये DJ100 का भी सेम हमें ये शैडो वगैरह दे देना है, इसको हमें कलर वगैरह को हमें ग्रे ही रखना है। तो मैं यहाँ पर कलर पिकर को चूज करके ये वाला कलर रख दूंगा, इसका ही ग्रे कलर। एंड वर्सेस का जो कलर है ना उसको हमें चेंज कर देना है क्योंकि थंबनेल का कलर कुछ और है, तो इसलिए चेंज कर देना है। एंड लास्ट हमें ये वाला पैक को ऐड कर लेना है, ठीक है। ये वाला पीएनजी मिल जाएगा, इसको भी ऐड कर लेना है, ब्लेंड पे जाके ऐड कर देना एंड इसका भी ह्यू हमें चेंज कर देना है। एंड डुप्लीकेट करके ऑपोजिट साइड को ले जाना है एंड रोटेट कर देंगे कुछ इस टाइप से। एंड अभी ना गाइस मैं इस साइड का जो है थोड़ा थोड़ा इरेज कर दूंगा, जैसे कि जेरोक्स F5 का थंबनेल में था, थोड़ा थोड़ा पार्ट रखना है, बाकी पार्ट इरेज कर देना है कुछ इस टाइप से, देख सकते हो आप लोग कुछ इस टाइप से आप लोगों को भी कर देना है, ठीक है। एंड अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है, सेम हमें ऑपोजिट साइड पे भी करना है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ करने का। अरे यार ये तो हो ही नहीं रहा है यार। तो गाइज एक काम करते हैं, इसको ना डिलीट करके इसी को डुप्लीकेट करके अभी इसको यहाँ पे रोटेट कर देंगे, तो हमारा सिंपल सा हो चुका है। आप लोग ना ये काम करना ज़्यादा इजी रहेगा। तो इतना काम करने के बाद इसको सेव कर देंगे एंड अभी इस इमेज को हम लोग लाइट रूम पर लेकर जाएंगे एंड यहाँ पर आप लोग को बहुत सारा कलर प्रीसेट देखने को मिल जाएगा, कोई सा भी आप लोग चूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं ना यहाँ पर कलर में जाऊँगा एंड यहाँ पर ये वाला एडजस्टमेंट चूज़ करके इसको सेव कर दूँगा।